हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मोनिका है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग कैसे अपने लिए एक मेहंदी आउटफिट डिज़ाइन करवा सकते हैं। किसी भी आउटफिट को डिज़ाइन करने से पहले अपनी वाइब यानी कि अपने टेस्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर मैं बात करूँ मेहंदी की ही, तो जब बात मेहंदी की आती है तो मेरे माइंड में आता है नाच गाना, मस्ती, फन माहौल एंड ऑफ कोर्स मेहंदी। और इन्हीं सब चीज़ों से कनेक्ट होते हुए मैं अपने आउटफिट्स में शायद यूज़ करूँगी बहुत सारे कलर्स, फंकी एम्ब्रॉयडरीज और कूल सिल्वेट्स, बिकॉज ये सभी चीज़ें आउटफिट में एक प्लेफुलनेस लेकर आती है, एक फन एलिमेंट डालती है। बट गाइज, इन सब चीज़ों में हमें अपना पर्सनल टच नहीं खोना है। तो जैसे मुझे ड्रेपी सिल्वेट्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मुझे साड़ीज़ बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करूँगी कि वो सारी क्वालिटीज़ मैं अपनी साड़ी में फ्यूज़ करने की कोशिश करूँ। और शायद उसी अकॉर्डिंग मैं पहनूँगी एक फ्रिल साड़ी या फिर एक फंकी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी या फिर एक ड्रेपी साड़ी। तो ऐसे ही आप लोग भी अपने लिए अपने आउटफिट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह के गारमेंट्स आप लोग अपनी मेहंदी पे बनवा सकते हैं और उनमें से कई गारमेंट्स को आप कैसे बजट में बनवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर आउटफिट है एक लहंगा या फिर एक क्रॉप टॉप स्कर्ट। अब अगर आप लोग एक नॉर्मल लहंगा से हटकर कुछ नया ढूंढ रहे हैं, तो आप लोग सिल्वर्ट्स के साथ प्ले कर सकते हैं। आप लोग अपने ब्लाउज़ या खाली लहंगे में ड्रामा ऐड करवा सकते हैं डिफरेंट लेयर्स, फ्रिल्स या फिर कट्स के थ्रू। इवन आप लोग बोल्ड और कलरफुल एम्ब्रॉयडरीज के साथ यहाँ जा सकते हो, मिरर वर्क एम्ब्रॉयडरीज के साथ जा सकते हो, बिकॉज़ ये सभी चीज़ें गारमेंट में एक फ़न एलिमेंट ऐड करती हैं जो बिल्कुल परफेक्ट है हमारे एक मेहंदी एम्बियंस के लिए। साथ ही आप लोग अगर आप लोगों का टेस्ट बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, तो आप लोग ऐसे वर्क के साथ जाएं जो हमारे रूट से कनेक्टेड है, जैसे बंधेज, बनारसी एक्सेट्रा। ऐसे लुक्स कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होते जल्दी से, इसलिए मैं आप लोगों को इन्हीं लुक्स पर इन्वेस्ट करने को कहूँगी। एंड एट लास्ट, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा टाइट बजट पे हो, तो आप लोग ऑल ओवर सॉलिड कलर लुक या ऑल ओवर प्रिंटेड लुक के साथ जा सकते हो, वरना आप लोग एक हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज को एक प्लेन स्कर्ट या प्लेन दुपट्टा के साथ कैरी कर सकते हैं। वैसे इन सभी केसेस में दुपट्टे की ज़रूरत ही नहीं है, वो टोटली आपके ऊपर है कि आप लोग लेना चाहते हो या नहीं। साथ ही अगर आपके पास ऑलरेडी एक हैवी लहंगा रखा है, तो आप लोग उसे एक प्लेन शर्ट या फिर किसी टॉप के साथ स्टाइल कर सकते हो। सेकेंड आउटफिट है कुर्ता शराराज। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने यहाँ पर कुर्ता शरारा की बात की है, तो आप लोग उसी बेसिक आउटफिट के साथ जाएं। अभी पेपलम कुर्ताज, शॉर्ट कुर्ती विद शराराज, लेयर्ड शराराज, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। एंड अगर आप लोग लहंगे के कंपैरिजन में एक कन्वीनियंट और कम्फर्टेबल ऑप्शन ढूंढ रहे हो, तो ये बेस्ट है। आप लोग यहाँ पर भी डिफरेंट कलर्स, डिज़ाइंस और एम्ब्रॉयडरीज को इंजॉय कर सकते हैं। थर्ड आउटफिट है ड्रेप ड्रेस। नो मैटर आप कैसी कुर्ती या ड्रेस वेयर कर रहे हैं, आप लोग हर बार दुपट्टा कैरी करने से बच सकते हैं। बस अपने दुपट्टे को रिप्लेस करें एक प्री स्टिच स्टाइलिश ड्रेप से, और बहुत ही इजीली यहाँ पर एक फन एलिमेंट ऐड हो जाएगा आपके गारमेंट में, और साथ ही आपके हैंड्स भी फ्री हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पर डिफरेंट ड्रेप गाउन्स, ड्रेप ड्रेस, ड्रेप लहंगा, ड्रेप साड़ी किसी के साथ भी जा सकते हैं। एंड आप लोग यहाँ पर खुद भी अपने दुपट्टे को डिफरेंटली ड्रेप कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, और इससे बहुत ही कम बजट में आप लोग अपने लिए एक स्टाइलिश ड्रेप क्रिएट कर पाएंगे। फोर्थ आउटफिट है जंपसूट्स। आपने बिल्कुल सही सुना, मैं यहाँ जंपसूट्स की ही बात कर रही हूँ। ये स्टाइलिश होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, एंड आज आप इनमें डिफरेंट फैब्रिक्स के साथ भी प्ले कर सकते हैं, जैसे हैवी एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स, सेल्फ के फैब्रिक्स, आप लोग इवन बनारसी फैब्रिक भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो।
प्लेन फैब्रिक्स, प्रिंटेड फैब्रिक्स एक्सेट्रा, आपके माइंड में जो आता है या जो भी आप एक्सपेरिमेंट करना यहाँ चाह रहे हो, आप लोग वो सब कुछ ट्राई कर सकते हो। और जो बेस्ट पार्ट है अबाउट दीज जंपसूट्स वो ये है कि आप लोग ट्रेंड भी सेट कर पाओगे और साथ ही कंफर्टेबली सारे रिचुअल्स को भी इंजॉय कर पाओगे। फिफ्थ एंड लास्ट है इंडो वेस्टर्न गारमेंट्स। अगर आप लोग अपनी मेहंदी पे कुछ बिल्कुल ही हटकर और डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो इंडो वेस्टर्न गारमेंट्स के साथ जाएं। हम इन्हें फ्यूजन वेयर गारमेंट्स भी कहते हैं। आप लोग यहाँ पर अगेन ब्राइट और बोल्ड एम्ब्रॉयडरीज के साथ जा सकते हो, मिरर वर्क एम्ब्रॉयडरीज के साथ जा सकते हो, ब्राइट कलर्स के साथ जा सकते हैं। ये सभी चीज़ें एक फन एलिमेंट तो ऐड करेंगी ही, बट साथ ही आपको मॉडर्न लुक भी देंगी। तो साथ ही गाइज आप लोग यहाँ पर खुद भी एक फ्यूजन लुक क्रिएट कर सकते हो, बस अपने वेस्टर्न पीस और एथनिक पीस को मिक्स कर ले और आप लोग रेडी होंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही वीडियोस के साथ मैं हर ट्यूजडे आती रहूँगी। साथ ही गाइज अगर आप लोगों के व्यूज़ हैं कुछ इस वीडियो को लेके, या फिर आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ इस स्पेसिफिक टॉपिक पे अपना वीडियो लेकर आऊँ, तो आप लोग वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो और मैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगी फ्यूचर में, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप लोग कैसे बजट में अपने लिए हल्दी या मेहंदी के आउटफिट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज अगेन फॉर वॉचिंग मी। टेक केयर एंड बाय।